आयुष्मान भारत हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का वादा किया। भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड निकाला है 5 लाख तक उस बीमार को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मेडिसिन मिलता है। मैं हूं आपके दोस्त फयाज जमाल भट्ट। इस वक्त हम पहुंचे हैं जिला कुलगाम के दिवसर इलाके में और यहां पे जो है अगर टाउन के हवाले से बात करें तो यहां पे जो टाउन के जो प्रेसिडेंट है मुश्ताक अहमद उनकी सरबराही में आज दिवसर के टाउन में एक फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है। मजीद क्या कुछ वहां पे हो रहा अंदर हम चलते हैं और बाद में मुश्ताक अहमद से भी बात करेंगे और देखते हैं कि वो इस फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस फ्री मेडिकल कैंप में आयुष महकमे से वाबस्ता जो डॉक्टर साहिबान है वो भी अंदर बैठे हुए और लोगों को वो अवेयर कर रहे हैं कि आयुष के जो अद्वियात हैं वो किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। फयाज जमाल भट्ट को दिवसर प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आयुष डिस्पेंसरी जिन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सिक्किम बेहतरीन सेंटर चूंकि अमुक मेन जम्मू व कश्मीर का मशहूर काउंसलिंग ग्रुप आईटी काउंसलिंग ग्रुप। 12वीं जमात के बाद अब फर्दर स्टडीज के लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें इंजीनियर आबिद के साथ। एससी एसटी और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप। आईटी काउंसलिंग ग्रुप मुल्क के टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में BDS, BSc नर्सिंग, BSc रेडियोलॉजी, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc मेडिकल लैब साइंस, BSc डायलिसिस, BSc कार्डियक केयर, BPharma, BTech और भी 100 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज में आज ही सीट बुक करके अपने मुस्तकबिल की रोशन राह को हमवार करें। कॉल ऑन 6005613139979797953 या हमारे ऑफिसेज विजिट करें ऑपोजिट डिग्री कॉलेज कुलगाम बिमना सोपोर अनंतनाग राजौरी जम्मू। आयुष्मान भारत हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का वादा किया। जिला कुलगाम में भी काम चल रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे आयुष्मान कैंप हो रहा है जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स प्रेजेंट रहे, मैं सबको शुक्रिया करता हूँ। 8 सालों में मोदी जी ने जो काम किए हैं उन्हीं पे हमें रोशनी डालनी है जो मोदी जी ने पिछले 8 सालों में काम किए हैं। आप देखो जो भी मोदी जी ने आज तक स्कीम लॉन्च की है उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरा बीजेपी वाला वहां है उसको स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। मोदी जी ने चाहे जिस भी पार्टी से हो जो स्कीम का मुस्तहिक था, जो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था चाहे वो PDP का था, हर किसी को मोदी जी का की ने जो स्कीम निकाली है उसका फायदा मिला है। और मोदी जी ने भारत को वो ताकत फराहम किया है चाहे डिफेंस सेक्टर हो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, बाढ़ तक मोदी जी ने हिंदुस्तान को मजबूत बनाया है। इट गिव्स मच मोर इम्पोर्टेंस टू आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एग्जीब्यूशन यहाँ पे प्रोग्राम था जो मोदी जी ने 8 साल काम किए उसके बारे में, और हमने यहाँ पे एक आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी आज दिवसर टाउन में लोग लगाया जिसमें बहुत सारे यहाँ के गरीब लोगों ने यहाँ पे दवाई ली है। और जो मोदी जी ने 8 साल में ये काम किए हैं मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है पूरे थ्रू आउट इंडिया में, आज करप्शन फ्री भारत, आज ड्रग्स फ्री भारत, और आज जो हमारी बेटियाँ हैं उनको मैरिज असिस्टेंस हर स्कीम का फ़ायदा आज लोगों को तक पहुँच रहा है।
और ये प्रोग्राम करने का मुद्दा मकसद यही है कि जो मोदी जी ने स्कीमें निकाली है उन स्कीमों का फायदा एक आम गरीब तक पहुंचना चाहिए। का सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम दिवसर टाउन में हमने मुनाकद किया, जो ऑर्गेनाइज किया है हमारे चेयरमैन दिवसर मुश्ताक साहब ने, एग्जीबिशन ऑन द लाइफ एंड मिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हम यही कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमेशा ज़िंदगी में एक सपना देखा है, हाउ टू सी द ग्रेटर इंडिया, हाउ टू इरेडिकेट द रूट्स ऑफ द करप्शन, हाउ टू सी द नेशन करप्ट फ्री विद इन द वाइड स्प्रेड प्रोसेस। जम्मू व कश्मीर का मशहूर काउंसलिंग ग्रुप आईटी काउंसलिंग ग्रुप, 12वीं जमात के बाद अब फर्दर स्टडीज के लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें इंजीनियर आबिद के साथ। एससी एसटी और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप। कॉल ऑन 6005-6139-9796-9739। और बेसिकली हमारे पार्टी प्रोग्राम में एक दूसरा दिन है जो सेवा पकौड़े के रूप में हम मना रहे हैं कि मेडिसन मिलना चाहिए। तो इसी पे आज म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन श्री मुश्ताक साहब ने आज इस प्रोग्राम का यहाँ पे आयोजन किया है और ये हर एक जिले में होगा।